हेलो माय लवली पीपल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपने घर में एकदम अच्छे से रह रहे होंगे, क्योंकि अभी कोविड टाइम्स में सेफ रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मेरा जितना भी मॉर्निंग का काम है, जितना भी क्लीनिंग वगैरह ये सब भी है, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर करा था कि किस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ऑल्दो मैंने अभी तक लंच नहीं प्रिपेयर करा है, तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे से, क्योंकि मैं आज लंच में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेबल बिरयानी, वेज बिरयानी, नॉट वेजिटेबल बिरयानी, वेज बिरयानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि नॉर्मल वेजिटेबल्स वाली बिरयानी नहीं है, उसमें कोई वेजिटेबल्स नहीं है। तो जो लोग थोड़े पिकी ईटर्स हैं, मतलब जिनको वेजिटेबल्स खाना इतना पसंद नहीं है, उनके लिए बिरयानी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, लेट्स सी कि कैसे हम बिरयानी बनाते हैं। सो जो ये प्याज हैं, इनको हमको थिनली स्लाइस करना है, क्योंकि वो होते हैं ना थोड़े से बर्नट वाले, थोड़े से क्रिस्पी वाले अनियंस जो होते हैं बिरयानी में, टिपिकली जो बिरयानी में डालते हैं, वही वाले अनियंस। सबसे पहले हमको अनियंस को फ्राई करना होगा। इस उस चीज़ के लिए मुझे इन अनियंस को पहले थोड़ा सा थिनली स्लाइस करके और फ्राई करना होगा। और साथ ही साथ हम ले लेते हैं ये चने की दाल ही है ना, हाँ ये चना दाल है, ये ले लेते हैं। थोड़ी सी चना दाल को हम सोक करेंगे। तो सबसे पहले 15 मिनट्स के लिए हम इतनी, मतलब यार अंदाजे से ले लो, इतनी तो लेनी ही पड़ेगी, मतलब इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा। यहाँ पे मैं दो लोगों के लिए बिरयानी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इतनी चना दाल बहुत होगा। ये इतनी मैंने चना दाल ली है, इसको सोक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दो लोगों के लिए, मैं दो लोगों के लिए बिरयानी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ग्लास चावल लूंगी, इसको भी हम पानी में सोक कर देंगे। अनियंस हमने चॉप कर लिया है, अब हम इन ऑनियंस को इसमें तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा ही है, बट रोज़ रोज़ तो हम ऐसे डिशेस खाते नहीं हैं, हमको वैसे भी अनियंस को डीप फ्राई करना है। हम जब डीप फ्राई करेंगे तो ही ये एकदम क्रिस्प और ब्राउन होंगे। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, हम चावल को एक बार अच्छे से 2-3 बार धो लेते हैं, और चावल को, और फिर इनको भी बॉइलिंग के लिए चढ़ा देंगे। चावल को हम पकने के लिए चढ़ा देते हैं, हमको इन चावलों को पूरी तरह से नहीं पकाना है, मतलब जब तक ये 75% कुक हो जाएंगे तब तक हमको इसको पकाना है। उसके बाद जब हम बिरयानी को असेंबल करेंगे एक बर्तन में, एक साथ जब रखेंगे, उसमें भी चावल थोड़ा पकेंगे, तो हमको एकदम मतलब पूरा फुल्ली नहीं पकाना है। प्याज को फ्राई कर लेते हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा केयरफुली करें, क्योंकि अनियन में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो तेल के मतलब छटकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, ठीक है। मीनवाइल जब तक प्याज कुक हो रहे हैं, मतलब फ्राई हो रहे हैं, और जो चावल है वो कुक हो रहे हैं, तब तक हम दाल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बेसिकली चना दाल वाली बिरयानी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, प्रेशर कुकर रखा है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा क्रैकल जब होगा, ये क्रैकल हो रहा है, तो थोड़ा सा क्रैकल का जब होगा तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। बेसिकली हमको जैसे हम चने की दाल बनाते हैं वैसे ही दाल बनानी है, बस उसको बहुत ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम मैश ना नहीं होनी चाहिए दाल, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। हींग और जीरा जब अच्छे से पक गए हैं, जीरा एकदम ब्राउन हो गया है, इसके बाद हम डालेंगे अनियंस। यहाँ पे मैं फाइनली चॉप ऑनियंस डाली हूँ, पहले जो मैंने करे थे वो थिन मतलब स्लाइसेस करे थे, जब मैंने
फ्राई करने वाले अनियंस करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने ये तड़के के लिए अनियंस लिए हैं, ये जिससे मैंने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। अनियंस को फ्राई करते थे। अब ये अनियंस अच्छे से फ्राई हुए हैं, गोल्डन हो गए हैं, फ्राई हो गए। तो अब हम डाल देंगे टमाटर और ग्रीन चिली। इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे सारे अपने स्पाइसेस। तो मैं बेसिक सारे मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए कि हमने चावल में भी पकाते हुए थोड़ा सा नमक डाला था, तो अभी नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मसाले, हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और कितना ऐसा। मसालों को भी हम अच्छे से पका लेंगे एक दो मिनट तक। मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे चना दाल। और इसको भी अच्छे से सॉटे कर देंगे, मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी हमको ऐड नहीं करना है, लिक्विड ही एकदम, मतलब इतना पानी ऐड करना है जिसमें दाल अच्छे से कुक हो जाए। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, अराउंड एक कप के आसपास। अब हम लिड लगाते हैं और इसको 2 से 3 विसल तक कुक कर लेंगे। मतलब 2 से 3 विसल तक ही हम कुक करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम कुक करेंगे तो ये जो दाल है वो गल जाएगी बहुत। बस हमको इतना कुक करना है कि दाल कच्ची ना रहे। सो कुकर में 2-3 सीटी आ चुकी थी, तो चलिए खोल के चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी जैसा हम चाहते थे वैसा पकी है या नहीं पकी है। सो लेट्स चेक। चम्मच से चेक कर लेना, इट्स ऑलमोस्ट डन। ठीक है, हमको यही चाहिए, मतलब आराम से चम्मच से कटनी चाहिए दाल, मतलब ये पक चुकी है। अब हमको करनी है बिरयानी की लेयरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक लेयर दाल की बनानी है और एक लेयर राइस की बनानी है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी दाल निकाल लेते हैं ऊपर वाली लेयर के लिए, अब थोड़ी नीचे छोड़ देते हैं, बाकी दाल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक लेयर हम लगा चुके हैं दाल की। सेकंड लेयर हम लगाएंगे राइस की। ये देखिए राइस मैंने कुक कर लिए थे और सेकेंड लेयर हम लगाएंगे राइस की। बहुत थिक थिक लेयर मत बनाना, एकदम नॉर्मल लेयर्स हमको क्रिएट करनी है। अब जब चावल हमने कुक किए थे तो सॉल्ट तो उसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था और दाल भी काफी स्पाइसी है। बस अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लेंगे गरम मसाला और इसको स्प्रिंकल कर देंगे पूरे चावल के ऊपर। आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास बिरयानी मसाला है नहीं, तो मैं यही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो अनियंस हमने फ्राई करे थे, ये वाले थोड़े से अनियंस लेंगे और उनको भी ऐसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, अब बनाएंगे हम सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में हम फिर से ये दाल लेंगे और इसको ऐसे करके चावलों के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देंगे। इसके बाद वापस से चावल लेंगे।
तो अब हमने सारी लेयर्स वैसे ही लगा लिया है, टोटल 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे लगाई है। जैसे मैंने पहला प्रोसीजर दिखाया था उसी तरीके से मैंने सारी लेयर्स दिखाई है लगाई है। उसके बाद लास्ट में मैंने थोड़ी सी दाल राइस लास्ट वाली लेयर के ऊपर थोड़ी सी दाल और गरम मसाला और ये जो अनियंस है फ्राइड अनियंस ये डाल दिया है। अब सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, घी लेना है और ये देखिए घी को 2 या 3 चम्मच घी ऊपर से डाल देना है। इसके बाद हम करेंगे गैस को चालू बिल्कुल स्लो, मतलब आप चाहें तो इसको दम पे भी पका सकते हैं बट हम जनरली घर पे ही बना रहे हैं ऐसे ही, तो मैं बिल्कुल स्लो गैस पे इसको 10 मिनट के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम स्लो मैंने कर दिया गैस और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दूंगी। 10 मिनट के बाद हमारी बिरयानी एकदम रेडी है खाने के लिए। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए खोल के देखते हैं बिरयानी पक गई है या नहीं। पकी हुई तो पहले से ही थी, मतलब तैयार हो गई है या नहीं। तो स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है और एकदम गर्म सिजलिंग साउंड भी आ रहा है, तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चलिए प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। दिखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रही है, तो प्लेट में सर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से ब्राउन वाले अनियंस जो थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच के लिए थोड़े से और स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में हमने बनाया है नॉर्मल जो बूंदी का रायता होता है वो। तो चलिए इंजॉय करते हैं बिरयानी और देखते हैं, आप अपने घर पर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना, मतलब मैं बहुत बार बना के देख चुकी हूँ, ये बहुत ही शानदार बिरयानी बनती है, वेज खाने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो चलो मैं एंजॉय करती हूँ अपने लंच को और आप भी घर पे ट्राई करना और कमेंट्स में मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर ट्राई करो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना मत भूलना, ठीक है।